फ़ायज़ा हसन लोड बैडिंग के अंदर आप क्या किरदार अदा कर रही हैं? मेरा किरदार फ़हद की बहन का है और समीना अहमद मेरी वालदा बनी है। और आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिक प्रॉब्लम इज वेडिंग, सबकी वेडिंग है एक्चुअली, इट्स नॉट ओनली माई वेडिंग, सबकी वेडिंग का मसला है एंड आई एम वन ऑफ देम। तो आपकी शादी हुई? ये तो फिल्म देखनी पड़ेगी आपको इसके लिए। अच्छा फ़ायज़ा, आपने एक पंजाबी लड़की का, एक टिपिकल पंजाबी लड़की का आपने करेक्टर किया है, तो उसके अंदर आपने मतलब क्या मेहनत की कि पंजाबी पूरा अपना बनाने? जब मुझे नबील ने अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए तो उनको मेरे ख्याल में मेरी अदाकारी पे तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन उनको मेरी पंजाबी पे बहुत डाउट था और उन्होंने ख़ासतौर पर मुझे यही कहा था कि अब पंजाबी का हमें आपका वो चेक करना पड़ेगा। एंड आई रिमेम्बर जब मैंने उनको, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा और हमने फिर मैंने उनको जो भी वीडियो बना कर भेजी, इट वॉज़ इन फुल पंजाबी और मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी क्योंकि मुझे नहीं आती पंजाबी बोलना और मैंने बहुत मेहनत की है, सच्ची बात है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है लहजे की। और नबील ने, फिज़ा ने भी बहुत उस पर ज़ोर दिया और आई एम वेरी थैंकफुल टू मोहसिन अब्बास हैदर, क्योंकि मोहसिन अब्बास हैदर ने मेरे जो स्क्रिप्ट था उसको पूरा पंजाबी लहजे में करके उसकी ऑडियो फाइल्स मुझे भेजी थी जो कि मैं हर बस सुनती थी। एंड देयर इज़ वन, एक और वीडियो बनाते हैं देसी बॉम्ब शेल, हो सकता है आपने सुना, उनकी वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा ऑडियो सुनी कि वो किस तरह बोलते हैं, क्या होता है, क्योंकि मुझे एक ख़ास पंजाबी एक्सेंट चाहिए था, एक जो एक नॉर्मल पंजाबी एक्सेंट होता है, दैन एक मुझे अलग चाहिए था जो कि स्टैंड आउट भी करे। तो मैंने मोहसिन और देसी बॉम्ब शेल दोनों को मिक्स करके, एंड देन ऑफकोर्स कुछ मेरा अपना भी था करके, प्रैक्टिस तो की है बहुत, अब लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद मज़ीद पंजाबी रोल्स की ऑफ़र हो रही है आपको? अभी एक तो ऑफ़र हुई है फिल्म की बट इट्स नॉट पंजाबी, मगर अभी फिल्म रिलीज़ हो जाए फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, आप पाकिस्तान से बाहर रहती हैं तो किस तरह से, हाउ डू यू मैनेज वर्क इन पाकिस्तान? मैं मुझे खैर 2.5 साल ही हुआ है पाकिस्तान से गए हुए, उससे पहले तो मैं कहीं कराची में रहती थी, तो आई थिंक अब इतना फासले इतने कम हो गए हैं और इंडस्ट्री को मैं याद आ जाती हूँ तो वो मुझे बुला लेते हैं, जैसे और एक्टर्स लाहौर इस्लामाबाद से आ जाते हैं, मैं इंग्लैंड से आ जाती हूँ, काम करती हूँ, चली जाती हूँ, बस ये होता है, कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं पड़ा उसी तरह से रोल मज़े के मिलते रहे। हाँ, पहले की तरह। हाँ, थैंक यू वेरी मच।